नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। सो आज मैं आपको पियानो का छोटा सा लेसन शेयर करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा पियानो स्टाइल में हो जाना चाहिए, मतलब कि देखो, सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा। इसमें रिदम कैसे बनेगी? सा रे गा मा, गा मा पा धा नी, धा नी सा। इधर क्या चलता है? सा रे गा मा पा धा नी, धा नी सा नी, धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तो दोस्तों इधर लीड, इधर कॉर्ड चलेगा, इधर लीड चलेगी। सा रे गा मा, गा मा पा धा, पा धा नी, फिर धा नी सा नी धा नी धा पा मा गा रे सा। पहले पहला पहर समझाऊंगा, फिर पियानो स्केल का समझाऊंगा। मतलब कि सा गा पा सा रे गा, सा गा पा री गा मा सा मा धा, गा मा पा सा गा पा मा पा धा, समधा पाधा नी रे पनी धानी सा मदा सा नी धा मदा सा नी धा पा रे पनी धा पा मा समधा पा मा गा सा गा पा मा गा री मदा गा रे सा गा पा। मतलब कि सा गा पा री मदा सा गा पा, मतलब सा रे गा मा, मतलब री मदा सा गा पा सा मदा, मतलब रे गा मा। उसके बाद गा मा पा सा गा पा सा मा धा सा गा पा, मतलब गा मा पा। उसके बाद मा पा धा सा गा पा सा मा धा, मतलब कि मा पा धा सा मा धा सा गा पा सा मा धा, मतलब मा पा धा। उसके बाद पा धा नी सा गा पा सा मा धा रे पा नी, सा गा पा सा मा धा रे पा नी पा धा नी। उसके बाद धा नी सा, मतलब कि माधा सा रे पानी माधा सा माधा रे पानी माधा सा, मतलब कि धा नी सा। अब दोस्तों इसको पूरा फ्लो में कैसे लेना है? ऐसे सा रे गा मा, गा मा पा पा धा नी सा। उल्टा सा नी धा पा मा सा। अब दोस्तों मैं राइट हैंड में समझा रहा हूँ, सा गा पा रे मा धा सा गा पा सा री गा, फिर गा री गा मा रे मा धा सा गा पा सा मा धा, मतलब री गा मा। उसके बाद गा मा पा सा मा धा सा गा पा, मतलब गा मा पा। उसके बाद मा पा धा, मतलब कि मा पा धा सा मा धा सा गा पा सा मा धा। उसके बाद पा धा नी सा गा पा सा मा धा रे पा नी पा धा नी। उसके बाद धा नी सा मा धा रे पा नी मा धा सा, मतलब धा नी सा। और वही चीज इधर चलेगी, सा री गा मा पा धा पा धा नी सा। सो दोस्तों अगर हमने इसको सरगम की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, जैसे कि इधर हमने रिदम बना लिया, मान लो सागा पा करके ही रिदम बनाते हैं। किसी भी एक सुर का रिदम बना लो, गापा नी बजा दिया, गापा नी गापा नी गापा नी, मतलब कि चाहे आप ये ले लो, मतलब देखो जैसे कि समाधा ले लिया, इधर रिदम बन गया, इधर लीड चल गई, मतलब सा देखो सा इधर चल, सा री गा मा पा धा नी सा, इधर चल रहा सा मा धा सा मा धा सा मा धा। इधर मैंने एक लीड बना दी, सरगम
प्रैक्टिस है, मतलब कि हमें किसी तबला हारमोनियम की, मतलब तबले की और ड्रम की और किसी क्लिक की जरूरत नहीं है। मतलब हम इसको इधर से रिदम बना के इधर हम सरगम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आज का जो मुद्दा था वो ये था, ऐसे प्रैक्टिस करना, सा री गा री गा मा गा मा पा 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 धा पा धा नी सा सा नी धा पा धा पा 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 गा मा गा री गा नी सा। तेज प्रैक्टिस करनी है जैसे कि, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। वीडियो बनाने से पहले बहुत कुछ दिमाग में चला होता है, पर क्या होता है ना कि जब कैमरा ऑन होता है तो बहुत कुछ आदमी भूल जाता है और गलतियाँ भी होती हैं। आपने मेरी गलतियों को इग्नोर करना है और जितना समझ आए उतना सीखने की कोशिश करना है। अगर किसी को ना समझ आए तो भी बता देना और बेटर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।